गडकरी जी भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनके मुंह पर ना शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ को आज 2150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का शिलान्यास किया। इसी दौरान सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की और कहा, आज जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ से अयोध्या सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जोड़ने के लिए, क्योंकि अगले वर्ष के प्रारंभ में ही सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और तब प्रतापगढ़ से अयोध्या की दूरी 4 लेन की कनेक्टिविटी को देने के लिए आप स्वयं माननीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। और उसके अगले वर्ष 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ होगा, तो भव्य और दिव्य कुंभ के लिए यहां से फिर प्रयागराज और प्रयागराज से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी यह मार्ग आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से आज माननीय गडकरी जी का आगमन प्रतापगढ़ में हुआ। प्रतापगढ़ के अंदर के मार्ग के लिए भी और प्रतापगढ़ के बाईपास का भी आधारशिला आज माननीय गडकरी जी के द्वारा रखा जा रहा है। भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा गडकरी जी भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनके मुंह पर ना शब्द नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, प्रताप